श्री राम। तो भाई इस बदलती दुनिया में मशीन्स अपना अलग ही स्थान रखती हैं, और आज मैं आपको कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी हुई मशीन्स दिखाने वाला हूँ जिन्हें देखकर आप भी यही बोलोगे वाव क्या मशीन्स हैं यार। नंबर 1 एवेनोर 601। बर्फीले इलाकों में जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो वहाँ की सड़कों पर बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो जाती है जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसलिए बर्फ को रोड से हटाने के लिए यूज में लाई जाती है ये मशीन जो बर्फ को रोड से हटाकर दूर फेंक देती है। इस मशीन के आगे की तरफ लगे हुए घुमावदार ब्लेड्स किसी भी ठोस से ठोस बर्फ को आसानी से काटकर दूर फेंक देते हैं। इस मशीन का यूज ज्यादातर उन जगह किया जाता है जहाँ बर्फ की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसी मशीनें आपको ज्यादातर रनवे की बर्फ हटाती हुई दिखाई देंगी। इस मशीन में बैठा हुआ ड्राइवर अपनी जगह को अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकता है, वो भी बड़ी ही आसानी के साथ। नंबर 2 स्क्रैपर सिस्टम। बर्फीली जगह पर ठंड से बचने के साथ साथ बचाना होता है अपनी गाड़ियों को भी, क्योंकि बर्फीले इलाकों में गाड़ियों के ऊपर बर्फ जमा हो जाती है जिसे हटाना बड़ा ही मुश्किल का काम हो जाता है। इसीलिए ऐसी जगह कुछ इस तरह के स्क्रैपर सिस्टम का यूज किया जाता है जिसके नीचे से गाड़ियों को गुजारा जाता है और ये स्क्रैपर गाड़ियों के ऊपर से बर्फ को हटाते जाते हैं। आपको करना बस इतना होता है कि इसके साइज को अपनी गाड़ी के साइज के बराबर करना होता है जिससे ये स्क्रैपर गाड़ी के ऊपर तक पहुँच जाए। नंबर 3 रेल क्विप। आपने कभी सोचा है कि ट्रेन के पहियों को कैसे बदला जाता है और ट्रेन को शुरू में सही ट्रैक पर कैसे लाया जाता है? तो भाई इसके लिए यूज में लाई जाती है ये प्रेशर मशीन जो इतनी भारी भरकम ट्रेन को बड़ी आसानी से उसी जगह पर उठा देती है। और अगर ट्रेन को सही ट्रैक पर लाना हो तो साइड में एक और प्रेशर मशीन को लाया जाता है जो ट्रेन को स्लाइड करके उसी जगह ट्रैक पर लगा देती है। नंबर 4 फॉयच। ये मशीन जमीन में पाइप्स को बिछाने का काम करती है। ये मशीन पहले तो मिट्टी को खोदकर एक तरफ करती हुई जाती है और इसके पीछे लगी हुई एक छोटी मशीन पाइप को पीछे से बिछाती हुई आती है। नंबर 5 72SM फेबलिस्टर। ये है खेत को जोतने वाली मशीन जिसके हल इतने बड़े होते हैं कि इसमें नॉर्मल 2 से 3 हल आराम से आ जाएंगे। इस मशीन के इतने बड़े हल होने के कारण ये मशीन किसी नॉर्मल मशीन का 2 से 3 गुना एक बार में खेत को जोत देती है जिससे ये मशीन कई एकड़ जमीन को कुछ ही मिनटों में आराम से जोत देती है। और जब ये मशीन अपना काम कर रही होती है तो इसे देखना सेटिस्फाई से कम नहीं होता। नंबर 6 ग्रैमी बेंटर। खेतों से आलुओं को खोदना बड़ा ही मुश्किल का काम होता है, इसलिए यूज में लाई जाती है ये मशीन जो पहले तो आलुओं को जमीन से मिट्टी और कचरे सहित उठाकर अपने अंदर ले लेती है और आलुओं के साथ आया हुआ कचरा दूसरी तरफ से बाहर निकाल देती है। और ये मशीन करीबन 15 टन तक के आलुओं को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। फिर उसके बाद ये मशीन उन आलुओं को जमीन पर नहीं डालती बल्कि एक दूसरे कैंटर में खुद से ही स्टोर कर देती है। नंबर 7 मिस्टर मैनहोल। आपने सड़कों पर जगह जगह कुछ इस तरह के ढक्कन लगे हुए तो देखे ही होंगे जिनका यूज सेवर लाइन के सही मॉनिटर के लिए किया जाता है। और ऐसे ही मैनहोल को बनाने और इन ढक्कन को निकालने के लिए यूज की जाती है ये मशीन जो मैनहोल साइज का गड्ढा खोदती है और एक सर्कुलर साइज का ढक्कन निकाल देती है। ये मशीन बहुत ही छोटे साइज में आती है जो सड़क को बिना नुकसान पहुंचाए उतने ही बीच में गड्ढा खोदती है और ढक्कन को निकाल देती है। और भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नंबर 8 लिनक्स ऑटोमेटिव सॉल्डर। जब तक कार चलती फिरती रहती है तब तक ये अच्छी लगती है, लेकिन जब इन कारों का इंजन खराब हो जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर ये कारें कबाड़े से कम नहीं होती और वे फालतू की जमीन घेरती हैं, तो फिर इनका बुरादा बनाना ही सही रहता है। और कार्स को अच्छी तरह से पीसने के लिए ये ऑटोमेटिव सॉल्डर बेस्ट ऑप्शन होता है। और ये सॉल्डर इतना बड़ा होता है कि ये लगभग 1 घंटे में 450 गाड़ियों का चूरा बना देता है। इस मशीन में सबसे पहले क्रश की गई कार्स को डाला जाता है जहां ये तेजी से हैमर के नीचे आकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती हैं। और इसके लिए इस मशीन में 9200 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक पावर काम करता है। नंबर 9 फैक्टम ब्रेकर। ये है दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल हाइड्रोलिक प्रेस मशीन जिसे डेनमार्क की फैक्टम कंपनी ने बनाया है जो छोटे पत्थरों को तो कुछ ही पलों में चकनाचूर कर देती है और बड़े पत्थरों पर भी 300 kL जूल तक की पावर लगाकर उन्हें भी चकनाचूर कर देती है। अगर हम इसे किसी दूसरी पावरफुल हाइड्रोलिक हैमर मशीन से कंपैरिजन करें तो ये उनसे करीबन 15 गुना ज्यादा ताकतवर है जो किसी भी बड़े से बड़े पत्थर को चकनाचूर करने के लिए काफी है। नंबर 10 बिग बर्था। इस मशीन का यूज बड़ी बड़ी सुरंगों को बनाने में किया जाता है। ये मशीन इतनी बड़ी होती है कि काम शुरू होने से पहले इसे सॉल्व करने में ही 2 दिन लग जाते हैं और जब ये मशीन पूरी तरह से रेडी हो जाती है तो इसका काम देखकर अच्छे अच्छे चौंक जाते हैं। अगर हम बात करें इस मशीन के प्राइस की तो इस मशीन को बनाने में लगभग $80 मिलियन का खर्चा आता है जो इंडियन करेंसी में लगभग 590 करोड़ रुपए होते हैं। और महंगी हो भी क्यों ना, ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज काम करने वाली मशीन जो ठहरी जो आने वाले समय में अपनी और
अहम भूमिका निभाएगी। नंबर 11 CT 100 बर्मर। ये जेसीबी मशीन बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन से ज्यादा काम की होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें सिर्फ बिल्डिंग्स के भारी काम कर सकती हैं, लेकिन ये मशीन बिल्डिंग्स के अंदर घुसकर छोटे मोटे काम को आसानी से कर सकती है। इससे आप अपने बगीचे वगैरह में पत्थरों को उठाने और कचरे को साफ करने में इसका यूज कर सकते हो। इसके आगे की तरफ एक होल्डिंग हैंड लगा होता है, जिसे आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो। इस मशीन को कंट्रोल करने के लिए इसमें बड़ी मशीन की तरह ही गियर्स दिए होते हैं। ये मशीन छोटी छोटी जगह से निकल जाती है, जहाँ से बड़ी मशीनों का निकलना नामुमकिन है। नंबर 12 एग्रोबॉट। स्ट्रॉबेरी को हाथों से तोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम तो लगता है, साथ ही वो गंदी भी हो जाती है, इसीलिए यूज में लाई जाती है ये मशीन, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी और चौड़ी होती है, जो खेत के बीच में चलती है और मशीन के बीच में आई हुए स्ट्रॉबेरी के पेड़ को अपने अंदर ले लेती है और मशीन में लगे हुए 24 रोबोटिक हैंड्स स्ट्रॉबेरी को बड़ी सावधानी से तोड़कर कंटेनर में डाल देते हैं, जिससे स्ट्रॉबेरी गंदी भी नहीं होती। तो भाई कैसी लगी ये मशीन? फीड पुसर। गायों को चारा डालते वक्त चारा फैल जाता है और कभी कभी गाय चारा खाते वक्त भी चारे को फैला देती है, तो उस वक्त फैले चारे को एक साइड इकट्ठा करने के लिए यूज की जाती है ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली फीड पुसर मशीन को। ये मशीन गायों को डिस्टर्ब किए बिना ही चारे को एक तरफ कर देती है और उसके बाद गाय बड़ी आसानी से चारे को खा लेती है। नंबर 14 राज ट्रांसप्लांटर। ये तो हम सब लोगों को पता ही है कि धान को खेतों में बोने में कितना टाइम लगता है, लेकिन ये मशीन इस काम को बड़ा ही आसान कर देती है। पहले इस मशीन में धान को रखा जाता है, फिर ये मशीन उस धान के पौधों में एक एक पौधे को जमीन में गाड़ती जाती है और उन धान को ये मशीन एक लाइन में गाड़ती है, जो देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है और इससे धान में अच्छी पैदावार भी होती है। ओवर कार। पहले इंसानों ने एक नॉर्मल कार बनाई और फिर कारों में पंखे लगाकर उन्हें उड़ाया, और अब इंसानों ने एक ऐसी कार बनाई है जिसमें टायर्स ही नहीं है, मतलब कि ये बिना टायर्स के ही सड़क पर करीबन 2 से 3 फुट ऊपर फ्लोटिंग करते हुए चलती रहती है। दरअसल इस कार का कॉन्सेप्ट चीनी कंपनी वॉक्सवैगन ने बनाया है और उनके अनुसार ये कार 2 सीटों वाला एक वाहन होगा जो जमीन के ऊपर ही फ्लोटिंग करता रहेगा, जिन्हें रोड पर चलाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट रोड का यूज किया जाएगा और रियर माउंटेड थ्रस्टर्स की मदद से ये कार आगे बढ़ेगी, जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में काफी यूजफुल रहेगी। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ये जरूर बता के जाना कि आपको इनमें से कौन सा इन्वेंशन सबसे ज्यादा अच्छा लगा।